रिजल्ट चेक करने के लिए आप सबसे पहले गूगल पर जाएंगे और वहाँ पर जाके जो है आप लिखेंगे यूपी रिजल्ट, UPResult.NIC.in 2023 यह ये डालकर आप सर्च मारेंगे और पहले ही आपके जो है ये साइट आ जाएगी उत्तर प्रदेश रिजल्ट के नाम से, और इसी को आप ओपन कर लेंगे। UPResult.NIC.in ये आ गई और इसी को आप ओपन कर लेंगे। और 10th और 12th दोनों का ये रिजल्ट जो है इस पर दिखाया जाएगा, उस पर शो होगा, लिंक आएगा। 1:30 बजे अभी आने वाला है रिजल्ट, तो मैं लास्ट में वीडियो डाल रही हूँ, जिन बच्चों को नहीं पता है वो वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप देख लें कि किस तरह से क्या करके जो है हम अपना रिजल्ट देख सकते हैं। नेट थोड़ा स्लो है मेरा, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। हाँ जी, तो ये देखिए आ गया है हमारा सर्वर लिंक, आ गया है हमारा उत्तर प्रदेश रिजल्ट जो है, यूपी रिजल्ट जो है वो आ गया है। ऑफिशियल वेबसाइट है क्लास 10th एंड 12th। लिंक विल बी पब्लिश्ड ऑन 25 अप्रैल 1:30 PM ऑनवर्ड, ठीक है। 1:30 बजे ये लिंक एक्टिव हो जाएगा और इस पर क्लिक करने के बाद में जो है एक विंडो आ जाएगा, एक पॉपअप विंडो आ जाएगी, और उस पर आप जो है अपना रिजल्ट का जो है रजिस्ट्रेशन नंबर, वो सॉरी रोल नंबर डालेंगे और देन आप अपना वो खोल सकते हैं। आपको 10th में बोर्ड एग्जाम जब देने गए थे तो जो रोल नंबर मिला था वही रोल नंबर डालकर आप इस लिंक पर क्लिक करके, अगर आप 10th से हैं तो 10th से, दो लिंक दिए गए हैं 10th एंड 12th दोनों के लिए हैं, किसी भी सर्वर पर जाके अपना क्लास सेलेक्ट करके आप अपने रिजल्ट को देख सकते हैं। 1:30 बजे, आधा घंटा रह गया है बस, आधे घंटे बाद रिजल्ट जो है हमारा हमारे सामने होगा। तो आपको मैंने बता दिया, फिर से एक बार बताऊँ रिकैप में, अगर हम फिर से एक बार देखें तो हम क्या करेंगे, हम गूगल पर सर्च मारेंगे, गूगल पर सर्च करेंगे UPResult.NIC.in, ओके। और सर्च करने के बाद में फिर आ जाएगी साइट UPResult.NIC.in, ये जो है हमारी गवर्नमेंट साइट है, इसी को हम ओपन कर देंगे और ये सर्वर आ गया। यहाँ पर हम जाके लिंक पर ये क्लिक करके आप किसी भी सर्वर से लिंक 1 और लिंक 2 किसी से भी जा करके आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। इसमें आपको क्लास सेलेक्ट करनी पड़ेगी, अपना 10th का रोल नंबर 12th का रोल नंबर डालना पड़ेगा, एंड देन यू कैन फाइंड योर रिजल्ट, ओके। सो बेस्ट ऑफ लक ऑल द स्टूडेंट्स, होप कि सभी का रिजल्ट बहुत अच्छा रहेगा और सब बहुत खुश होंगे।